हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं W1209 थर्मोस्टेट टेम्परेचर कंट्रोलर मॉड्यूल और उसके सेटिंग्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये टेम्परेचर कंट्रोलर मॉड्यूल ज़्यादातर छोटे वाले इनक्यूबेटर में इस्तेमाल होते हैं और कई सारे लोग घर के अंदर और फार्मिंग शेड में भी इस्तेमाल करते हैं। इस मॉड्यूल को चलाने के लिए हमें 12 वोल्ट का पावर सप्लाई या 12 वोल्ट का एडाप्टर चाहिए। इस टेम्परेचर कंट्रोलर मॉड्यूल से आप हीट और कूलिंग दोनों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है टेम्परेचर सेंसर। पहला बटन है सेट या ओके बटन। बीच वाला पॉजिटिव बटन है हीट और कूलिंग टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, और आखिरी वाला बटन है हीट और कूलिंग टेम्परेचर घटाने के लिए। और ये दोनों बटन ऊपर और नीचे करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इस कंट्रोलर मॉड्यूल के अंदर 6 तरीके का सेटिंग्स होते हैं, P0, P1, P2, P3, P4, P5 और P6। पावर का नेगेटिव वायर को GND में लगाएं और पावर का पॉजिटिव वायर को +12V में लगाएं और कूलिंग और हीटिंग के लिए बाकी K0 और K1 में लगाएं। टेम्परेचर सेट करने के लिए पहले सेट बटन को एक बार प्रेस करें, उसके बाद आप प्लस या माइनस बटन यूज़ करके अपना टेम्परेचर सेट करें। सेट बटन को थोड़ा देर प्रेस करके रखें और P0 पे हीट या कूल सेट करें। उसके बाद आप P1 पे अपना बैकलेस सेट करें जो आप चाहें। इनक्यूबेटर का बेस सेटिंग अभी करने वाले हैं हम लोग, तो सेट बटन थोड़ा देर प्रेस करके रखेंगे। अभी आ गया P0। P0 को हम लोगों को सेट करना है H पे, हो गया। अभी सेट बटन फिर क्लिक करते हैं। अभी आ गया P1। P1 को हम लोगों को सेट करना है 0.2 में। ये हो गया 0.2, सेट खत्म हो गया। अभी हम लोगों को सेट करना है
इसका टेम्परेचर इसको सेट करना है हम लोगों को 37.7, आप 38 भी रख सकते हैं, 36 हो गया, 37.7। अब जैसे ही 37.7 से ऊपर जाएगा लाइन ऑटोमेटिक कट हो जाएगा।